ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁଜୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। नमस्कार दर्शक बंधु, मुझे गुरुजी पुणी आपको स्वागत करुच्ची एक नुआ इंटरेस्टिंग वीडियो रे। आज वीडियो बहुत इंपोर्टेंट वीडियो, जदि आप इंग्लीश फ्रिक्वेंटली कहवापी चाहूँ कि शिखापी चाहूँ कि फ्रिक्वेंटली कमी स्पीक करेंगे इंग्लीश में, तो मुझे आज किसी मूल मंत्र देवी इंग्लीश रो इंग्लीश कहार। तो आप वीडियो लास्ट पर्यटन देखते और जानतु आम कौ काम कले कौ टीप्स मुझे से आप जी मिनिमम 30 डेज कि 35 डेज आप दुमास तीन मस ट्राए करेंगे निहाती इंग्लीश फ्रिक्वेंटली कहींपरेंगे। जदि आपंकर इंग्लीश शिखापी इच्छा तो ये वीडियो लास्ट पर्यटन देखु। तो दर्शक बंधु, आज मुझे बुक्स रो भी टीप्स देवी आउ किसी मो निज टीप्स भी देवी केमती आप इंग्लीश को सुधारी पारे। आप जब इंग्लीश में कथापी चाहूँ तो आप कथापर। तो चलतु फास्ट मुझ मो छोट छोट टीप्स देदेपर मु बुक्स रो टीप्स देवी आप इंग्लीश किपर कहीपर। फास्ट जोटा कि मु रियलाइज करी आपण केमती इंग्लीश कहवापाई हम कहवापी हेले आपन को वर्ड्स दरकार। आपन वर्ड्स कौट पाइबे आपन को पाखे जदि बल्क अप वर्ड अछि तो आपन ताकू सेंटेंस बने कि इंग्लीश कहिपरिबे। जदि आपन किछि वर्ड ही जानि नहंती तो आपन सेंटेंस करि परिबेनी कि कहिपरिबेनी। तो आपन बल्क अप वर्ड कौटी पाइबे, तो बल्क अप वर्ड पई मु आपन गोडे बढ़िया सोल्यूशन दउछि। सोल्यूशन हला आपण डेली 4-5 आपण वर्ड रिमाइंड करिवे आउ नित्यदिन लगेबे सेंटेंस रे। आपण ओडिया कहिला बेले भी ताकू यूज करिए, जेंति मु एबे कहिले यूज करिवे मु सेठी व्यवहार भी कहि पथंदि किंतु यूज करिए एमती हला। आपण सेंटेंस ओडिया सेंटेंस भी से इंग्लीश लगेले आपणकर डेली 5 रिमाइंड करंतु आउ से 5 को आपण आपणक सेंटेंस रे लगांतु। तो देखिवे आपण जदि मासे भितरे आपण मासे हेले 30 × 4 = 120 वर्ड आपण स्टोर कर देले आपणकर माइंड रे। तो 120 वर्ड भी बहुत हेलानी, तो से 120 वर्ड को आपण सबुबेले यूज करिके आपण सेंटेंस बनेकी आपण कही परिवे। तो एटा गोटे टिप्स, एटा मो निजरो टिप्स। जदि आपण इंग्लीश मन देखि शिखे पय जाउछन तो आपण वर्ड्स को बल्क अप वर्ड्स आपण को माइंड रे रखंतु आउ ताकू यूज करंतु। तो चलंतु नेक्स्ट टिप्स कौन को नेक्स्ट टिप्स हला आपण को माइंड रे आसतु आपण इंग्लीश कही परिवे। आपण ट्रांसलेट कर दउछन मन को मन किंतु आपण कही पारु नांति। एटा हला आम ओडिया लोकंकर दुर्बलता, कहीं आम सब जिनस ओडिया रे पढ़िले तो ओडिया रे के पचारे आम ओडिया रे आंसर दे दउछे। किंतु ओडिया आम इंग्लीश भी पढ़ीचे इंग्लीश भी जानीचे किंतु आपण ताकू प्रकाश करि परुने काहेकि आमर सेतिकी थोरो हेइ नै। तो आपण इंग्लीश न्यूज पेपर किणंतु, मु सजेस्ट करबी टाइम्स ऑफ इंडिया, काहेकि ना टाइम्स ऑफ इंडिया रे हि सबुठु सहज वर्ड थै। सहज वर्ड थिले हि आपण को मने जल्दी रहिबो, मने रहिला पर हि आपण ताकू एक्सप्रेस करि परिबे। जेमति कि खाली पेपर पढ़िले होबनी, माने पेपर आपण मन को मन पढ़ंतु नै, काहेकि ना आपण को जो प्रोनाउंसिएशन अछि आपण जदि पार्टी करके न पढ़े आपण प्रोनाउंसिएशन केबे भी क्लियर होब ना। तो आपण गोटे खोला जगह को जिबे जहाँ कि पार्क हो कि आपण बेडरूम कहीं नथिबे जदि आपण को लाज लगुची। आउ आपण डेली सकाळे टाइम्स ऑफ इंडिया रो गोटे पेज पढ़ंतु, बेसी नहीं लाउडली पढ़िबार अछि। लाउडली पढ़िले आपणकर प्रोनाउंसिएशन ठीक हो, जदि आपण को पार्टी लागुथुबो कि आपण को उच्चारण होनी आपण देखुथिबे गोटे ओडिया सेंटेन्सटा को किंतु आपण कहिबे एटा तो मु इंग्लीश रे आपण मन मन ट्रांसलेट करि देले किंतु प्रकाश करि परिबे नै। आपण टाइम्स ऑफ इंडिया जदि लाउडली पढ़िबे किछि दिन भितरे आपण को इंग्लीश इम्प्रूव हो। थर्ड टिप्स, एटा मु निजरो टिप्स। जदि आपण एक्चुअली आपण भावुछन्ति मु इंग्लीश कहि परिबि तो आपण केबे भी 198 को कॉल करंतु। कॉल करके गोटे टॉपिक बाछंतु जे मु ए टॉपिक रे इंग्लीश रे कस्टमर केयर सहित कथा हेबी। तो आपण देखंतु आउ ता सहित इंग्लीश रे ही कथा होंतु। आपण कॉल लगांतु, कहंतु व्हाट इज द प्लान ऑफ माय जियो नंबर,
ଏଇସବୁ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ, ସିଏ ତା'ପରେ କହିବେ, ତା ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରନ୍ତୁ ଇଂଲିଶରେ, ତ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଆପଣ ଫୋନ୍ କାଟିଦେବେ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼୍ ଫିଲ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟିକିଏ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହେବେ। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଥାର୍ଡ଼ ଟିପ୍ସ, ଆପଣ କଷ୍ଟମର୍ କେୟାର୍କୁ କଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଇଂଲିଶ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତୁ। ଇଂଲିଶ ବିଷୟରେ ଭାବିଲା ପରେ ଆପଣ କିଛି ଇଂଲିଶର ୱାର୍ଡ଼ସ୍କୁ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କହିଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ଆପଣ ରଖିଲା ପରେ ଆପଣ ମିରର୍କୁ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗୁଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କ ମିରର୍ ସାମ୍ନାରେ ବି ଆପଣ ଯାଇକି ଇଂଲିଶ କହିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଦଶ ବନ୍ଧୁ, ଇଂଲିଶ କହିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାର ଦରକାର କେବେ ବି ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ଗ୍ରାମାର ଓନ୍ଲି ରିଟିନ୍ ବେଳେ ଆମର ଦରକାର ହୁଏ। କହିଲା ବେଳେ ଫୋକସ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ହିଁ ଦରକାର ହୁଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଅଛି, ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମାର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ବି ଆପଣ, ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭଳିଆ ଗ୍ରାମାର ସେଥିରେ ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଂଲିଶର ମା ବାପା ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଲଗେଇ ପାରିବେ ଗୋ ୱେଣ୍ଡ ଗୋନ୍, ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଲଗେଇଲେ ବି ସେଇ ଗୋଟେ ହିଁ ମିନିଂ ବୁଝା ହେବ। ତ ଆପଣ ଗ୍ରାମାରକୁ ଧ୍ୟାନ କେବେ ବି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକ୍ ବେଳେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖିଲେ ଇଂଲିଶ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ୱିଥ୍ ସବ୍‌ଟାଇଟଲ୍ ହେଲେ ଆପଣ କିଛି ୱାର୍ଡ଼ ସେଠି ବି ପାଇଯିବେ, ସେଠୁ ବି ବହୁତ ସାରା ୱାର୍ଡ଼ସ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ୱାର୍ଡ଼ର ଡିଫିକଲ୍ଟର ୱାର୍ଡ଼ ସବୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ତ ଆପଣ ମୁଭି ଦେଖିବି ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲିଶର ନଲେଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ କରିପାରିବେ। ତ ସବୁ ଏଇଥିଲା କିଛି ଟିପ୍ସ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲିଶ ସ୍ପିକିଂ 30-40 days ଆପଣ ନିହାତି କିଛିଟା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବେ ଆଉ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କ ଇଂଲିଶରେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପ୍ରଥମ ଭୁଲ ହେବ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ। ଆପଣ ବି ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲା ଭଳିଆ କଥା ହେଇପାରିବେ ଇଂଲିଶରେ। ତ ଦଶ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏଇ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।